नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। अमेठी जनपद के तिलोई में विधानसभा पहुंचे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के परिवार से मुलाकात की। दरअसल कुछ दिन पहले ही राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के छोटे भाई का निधन हो गया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अलग अलग पक्षकारों के 8 मामलों में सुनवाई हुई। बताते चले कि श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह प्रकरण में कई पक्षकारों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर दावा किया है। फिलहाल कृष्ण जन्म स्थान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और शाही ईदगाह के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। उन्नाव के चांदमारी स्थित पुलिस विभाग की 24 बीघा जमीन पर नगर पालिका ने कब्जा कर लिया है। इसके 30 साल से कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया था, जिसके बाद एडिशनल एसपी ने फायरिंग रेंज की जमीन पर पौधारोपण का निर्णय लिया। ये हजारों की संख्या में पौधा को लगाया जाना है, जिसके लिए खुद एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह सामने आए हैं। उन्होंने चांदमारी की जमीन पर पौधारोपण किया। वहीं अब तक 2200 पौधे लगाए जा चुके हैं। एडिशनल एसपी की इस पहल से लोगों को राहत मिल रही है, क्योंकि यहां डंप कर जलाया जाने वाला कूड़े से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब यहां पर पौधारोपण होने से लोग स्वस्थ हवा ले सकेंगे। वहीं एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने बताया कि यहाँ 5000 पौधे रोपे जाने का लक्ष्य है। चांदमारी बट की जो जमीन थी वो बहुत सालों से उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा था। इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार हमने इस पर पौधारोपण स्टार्ट किया है और अब तक 2200 उसमें पेड़ लगाए जा चुके हैं, और इसकी सुरक्षा के लिए हमने चारों तरफ से कटीले तार लगा करके इसको सुरक्षित किया है और जनता से ये उसमें काफ़ी हमें सहयोग मिल रहा है। बलरामपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। कोई झोला छाप डॉक्टर इंटरमीडिएट पास है तो कोई फार्मेसी का डिग्री लेकर क्लिनिक चलाता नजर आ रहा है। पूर्व में कई मामले ऐसे आ चुके हैं जहां इन झोला छाप डॉक्टरों की करतूत की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी चिकित्सा प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से इन झोला छाप डॉक्टरों का व्यापार फल फूल रहा है। इस संबंध में चिकित्सा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जैसे मैं जो सूचना मिलती रहती है, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अधीन जो इसके नोडल उनको मैं भेजता हूं। और एक जो आपके द्वारा एक प्रकरण सामने आया है कि ये तुलसीपुर के ब्लॉक के अंतर्गत ये भगवा कला के अंदर कोई डॉक्टर गुलाब वर्मा हैं जो ये कहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन है और ये मरीज ये देख रहे हैं। आपके द्वारा जब इनका सत्यापन किया गया तो ये अपने को कह रहे हैं मैं देखता हूँ, इसको स्वयं जाकर निरीक्षण करके टीम को कहेंगे, इनके अस्पताल को मैं सील कराऊंगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस तरीके के झोला छाप के खिलाफ मैं अभियान चलाऊंगा और अगर वो रजिस्टर नहीं तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई करी जाएगी। बलरामपुर जनपद में झोला छाप डॉक्टरों का भरमार है। जी हाँ, बात कर रहे हैं तुलसीपुर क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों का भरमार है, जहाँ झोला छाप डॉक्टर मरीजों और गरीबों का इलाज करते हैं और इन्हें सरकारी अस्पतालों में नहीं जाने देते हैं। यह आए दिन देखने को मिल रहा है कि लोग इससे पूर्व में कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं जब इसकी शिकायत मीडिया ने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार से की है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक कहीं मरीज बनते हैं तो कहीं तीमारदार बनते हैं और अस्पतालों में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और लाइन में लगकर दवा लेते हैं, जिससे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सही रहे। अब देखना है बलरामपुर जनपद में ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर अब कब कड़ी कार्रवाई होती है। प्राइम टीवी अमित कुमार उत्तर प्रदेश। इस खबर में हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से झोला छाप डॉक्टरों का ये कारनामा देखने को मिल रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे, किस तरह से आपने प्रशासन को इससे अवगत कराया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला बलरामपुर जनपद का तो है ही है। बलरामपुर जनपद में तमाम झोला छाप डॉक्टरों का भरमार है, जहाँ गली और मोहल्लों में ये झोला छाप डॉक्टर बैठ गए हैं। कोई इंटरमीडिएट है तो कोई अशिक्षित है, कोई डिग्री उनके पास नहीं है और वो दवा कर रहे हैं। जो मरीज हैं, गरीब हैं, उन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय जो मुख्यालय पर अस्पताल हैं वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में उन मरीजों को नहीं जाने देते हैं, अपने मनमानी तरीके से उनका इलाज करते हैं।
जिससे लोगों को मौत का सामना भी करना पड़ता है। वहीं प्राइम टीवी की टीम जब तुलसीपुर क्षेत्र के भंगाहा कला गांव में कवरेज करने के लिए गई थी तो वहीं पर एक वर्मा क्लीन नाम का एक तथाकथित डॉक्टर था जो अपने आप को पत्रकार भी बताया और वहां जो टीम थी टीम के साथ अभद्रता व्यवहार भी उसने किया और किसी के सह पर मोबाइल पर बात किया और बताया कि क्लिनिक स्वास्थ्य विभाग से हम बात कर लेंगे। तो इसी तरह से पूरे क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों का भरमार है और लोग ऐसे इलाज करते हैं और लोगों को मौत का सामना करना पड़ता है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जब इसकी शिकायत टीम ने की है तो उन्होंने कहा है कि मामला हमारे संज्ञान में आया है, जो झोला छाप डॉक्टर है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जो तथाकथित डॉक्टर है उसके खिलाफ उसकी जो क्लिनिक चल रही है उसे सील की जाएगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़े थे बलरामपुर से। वाराणसी में नमामि गंगे के आह्वान पर सामाजिक संस्था नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन ने केदार घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। दोनों संस्थाओं के सदस्यों ने पवित्र श्रावण मास के दूसरे दिन श्री गौरी केदारेश्वर महादेव का गंगाजल से अभिषेक कर गंगा निर्मलीकरण की कामना की। इसके साथ ही घाटों पर बाबा के जयकारों संग स्वच्छता के नारे लगाते हुए श्रद्धालुओं से सफाई बनाए रखने की अपील की। वहीं पर हर हर गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे स्वच्छ करेंगे जैसे कई नारे लगाए और संकल्प दोहराया। गंगा निर्मलीकरण अभियान के तहत जो नमामि गंगे का जो अभियान है वह केवल अब नमामि गंगे का अभियान नहीं रहा, वह एक सर्वव्यापी आंदोलन बने। इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संस्थाओं से आह्वान किया गया है कि गंगा निर्मलीकरण अभियान में हमारे सहयोगी बने। इसी क्रम में आज एक सामाजिक संस्था नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में और नमामि गंगे के साथ एक कार्यक्रम किया गया जो केदारेश्वर घाट पर हम लोगों ने किया, श्रावण मास के द्वितीय दिन किया और गंगा की सफाई की गई। बुलंदशहर की थाना छतारी इलाके में 6 दिन पहले मासूम हर्ष की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई ने मृतक के परिजनों से मिलकर लोगों को सांत्वना दी। इसके साथ ही छतारी थाने के एसओ से मिलकर जल्द ही मासूम हर्ष की हत्या करने वालों का खुलासा करने की मांग की। हमारे पड़ोसी गाँव शेखुपुर में भाई चंद्र प्रकाश के बेटे हर्ष का जिस तरह से बहुत ही निर्दयी रूप से जो एक हत्या की गई है बहुत ही निंदनीय है और जिस तरह से बच्चे को मारा गया है ऐसी निर्दयी जो अपराधी हैं वो अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ पाई है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि उसको बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार करो जिससे कि पीड़ित जो मृतक है उसकी आत्मा को शांति मिले, जो पीड़ित परिवार है इनको भी इंसाफ मिले। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं, खासकर युवाओं के जीवन में सोशल मीडिया कुछ ज्यादा ही महत्व रखता है। पिछले एक दशक में फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। वहीं बच्चों और युवाओं पर इनके दुष्प्रभाव भी पड़ रहे हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन और एंग्जायटी का शिकार हो रहे हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप या कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे पहले टिकटॉक हुआ करता था, इस प्रकार के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे लोग रील बना करके डालते हैं। इसमें जो लोग रील बना करके डालते हैं उनको भी कई तरीके के मानसिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे उनके रील्स पर अगर कोई निगेटिव कमेंट कर देता है या अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बहुत तनाव की स्थिति से गुजरते हैं और कभी कभी तो निगेटिव कमेंट वाले व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। हम लोग टेक्नोलॉजी के एडिक्शन के गिरफ्त में चले जा रहे हैं और जिसका शिकार सबसे ज़्यादा आज के युवा हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जो भी सोशल साइट्स हैं वो क्या करती हैं, हमें हमारे मनोविज्ञान के साथ खेलती हैं। हम जो लाइक्स के पीछे भागते हैं ना, वो एक तरीके से उनका एक साइकोलॉजिकल गेम होता है कि सर्टेन चीज़ों में लाइक का वो ऑप्शन देते हैं कि वो चीज़ें हमारे उस व्यवहार को और ज़्यादा बढ़ावा देती है लाइक को पाने के लिए। अब उस लाइक की इच्छा हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब डिसलाइक या कोई निगेटिव कमेंट होता है तो हम उसको सह नहीं पाते हैं और फिर हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर ये नकारात्मक असर डालती है।
गाजियाबाद में सावन का महापर्व कांवड़ यात्रा के लिए स्वयं श्री रमेश चंद्र चौहान शिव कांवड़ सेवा समिति पंडाल का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ने किया। इस मौके पर खोड़ा चेयरमैन रीना भाटी भी मौजूद रहीं। इस दौरान विधायक सुनील शर्मा ने लोगों से अपील की कि किसी तरह की प्लास्टिक की चीजें का उपयोग ना किया जाए। प्लास्टिक को पूर्ण तरीके से बैन होने के बाद इसका विषय ध्यान रखा जाए। फिलहाल शिव कावड़ सेवा समिति ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके स्थापक जो हमारे साथ में खड़ी हुई हैं निर्मला चौहान जी, पहले इनके पति ने जो सुरगे इनके हस्बैंड थे उन्होंने इस शिविर को लगाने की स्टार्टिंग करी। मैं उनका भी और उनके परिवार का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और सभी कांवरिया यहाँ पर उनके हिसाब से यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद है, जैसे कि देख सकते हैं कि उनके विश्राम करने का भी, उनके भोजन का भी और यहाँ तक कि नहाने धोने तक की सारी सुविधाएं यहाँ पर है। मैं और पति इसको शुरू किया था और आज भी उसी संपूर्ण तरीके से हो रहा है और मेरे बच्चे साथ में मेरे साथ हैं और वही सारा इंतजाम कर रहे हैं। जैसे कि सावन का माह शुरू हो गया, जिससे कि आज दूसरा दिन है यहाँ पर और ये गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में पिछले 32 साल से लगातार यहाँ पर कांवड़ शिविर लग रहा है और आज यहाँ पर साहिबाबाद विधानसभा से विधायक सुनील शर्मा जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से यहाँ पर ये कांवड़ जो सुविधाएं चल रही है किस तरह से इन्होंने देखी। सर, कब से ये कांवड़ शिविर लग रहा है? ये आज ही इसकी शुरुआत हुई है और ये बहुत अच्छा कांवड़ शिविर है। हमारे यहाँ के बहुत ही सामाजिक व्यक्ति श्री स्वर्गीय रमेश चंद चौहान जी ने प्रारंभ किया था, अब उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनके बेटे सब लोग मिल करके इसको चला रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ की गई है और ये 32वां साल है इसको चलते हुए। मैं इनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत ही पुनीत, श्रेष्ठ और धार्मिक कार्य लोग कर रहे हैं। जैसे कि विधायक जी, मुख्यमंत्री जी ने बोला है प्लास्टिक बैन होनी चाहिए इस बार, तो उसको लेकर किस तरह से जागरूकता अभियान चल रहा है और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए? प्लास्टिक को तो बैन करने मतलब हम लोगों को सरकार ने तो बैन कर ही दी है, हमको पारिवारिक रूप से भी देखना चाहिए, पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करें कि खुद तो प्रयोग करें ही ना, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसको भी आग्रह करें कि इसका प्रयोग ना। तो ये थे हमारे साथ विधायक सुनील शर्मा जी, जो कि खास तौर पे बता रहे हैं कि प्लास्टिक बैन को लेकर खास तौर पे एक अभियान जो चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने खुद इस चीज़ को बोला है कि प्लास्टिक जो भी इस समय है उसको बैन किया जाए, खास तौर पे जो कांवड़ यात्रा निकलेगी उसको लेकर भी खास तौर पे बोला गया है कि प्लास्टिक बैन रहे। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी के लिए। सुल्तानपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला महिला अस्पताल में मुफ्त बूस्टर डोज का अभियान का शुभारंभ किया गया। भाजपा विधायक विनोद सिंह ने अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 18 साल से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों को बूस्टर डोज दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसके लिए पंजीकरण की कोई जरूरत नहीं है। बूस्टर डोज का लक्ष्य पहले 2,55,846 रखा गया था, अभी तक जिले में मात्र 50,146 लोगों को ही बूस्टर डोज लग गई है। सरिता जायसवाल, मिसेस सरिता जायसवाल और पीएम सर जो ने जो भी मतलब कि वो रूल्स बनाए हैं वो हम लोग के लिए अच्छाई के लिए ही बनाए हैं और हमें इसका फॉलो करना चाहिए। वी शुड फॉलो देम एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन दैट पीएम सर आवर प्राइम मिनिस्टर। उसको डॉक्टर ने बताया कि ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि 18 से ऊपर जो बूस्टर डोज है वो मुफ्त में लगाया जा रहा है। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब वैक्सीन का इजाद साइंटिस्ट ने किया तो एक सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और ये नेशनल टेलीविज़न में डिबेट था कि ये वैक्सीन गाँव तक कैसे पहुँचेगी। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं निरंतर कम से कम 8 बूथ 10 बूथ रोज जा रहा हूँ। मैं दो ही प्रश्न पूछता हूँ उनसे कि राशन आपको मिला कि नहीं मिला। सब कहते हैं कि राशन मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। और वैक्सीन के बारे में तो बुज़ुर्ग वार कहते हैं कि हमने तीनों डोज लगवा लिए। देखिए, ऐसा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारी सरकार द्वारा 18 प्लस वाले जो भी
हैं उन लोगों के लिए फ्री में प्रिकॉशन डोज 75 दिनों के लिए आज से आरंभ की गई है। गोंडा के धानीपुर कस्बा और उसके आसपास के गांवों में बिजली न मिलने से ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जीई के माध्यम से अधिशासी अधिकारी अभियंता गोंडा को दिया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में आसपास के गांव वालों का कहना है कि विद्युत सप्लाई जीरो के बराबर है, जिसके कारण आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत समस्या को लेकर के हम लोगों ने जिला पूर्व जिला पंचायत रामदार वर्मा जी के नेतृत्व में और यहाँ के जनता की आवाज हम लोगों ने उठाया है और अधिशासी अभियंता महोदय को संबोधित ज्ञापन 6 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने दिया है। हम लोगों को जी महोदय ने आश्वस्त किया है कि एक महीने के भीतर कस्बे को विद्युत समस्या से मुक्त करा दिया जाएगा। अयोध्या में बीकापुर बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भारी उल्लास के साथ अधिवक्ता हॉल में संपन्न हुआ। नए पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए वादकारियों के हित में सतत प्रयत्नशील रहने का संकल्प व्यक्त की। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य आकर्षण रहे बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों की संकल्पना को साकार करते हुए कदम से कदम मिलाकर चलने का आश्वासन दिया। कि हमारे यहाँ अभी तक हड़ताल ज़्यादा होती है, उसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन हम कोर्ट चलाएंगे और जितने भी पदाधिकारी हैं इनको न्याय दिलाएंगे। जूनियर अधिवक्ता जितने हैं उनके विषय में मैंने ये सोच रखा है कि कम से कम 10 साल के नीचे के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं उनका काम अदालतों पर बिना किसी भी शुल्क की करी अदालतें, इसके लिए मैं अदालतों से निवेदन भी करूंगा, लड़ाई भी लड़ूंगा। बदायूं में मूसाझाक क्षेत्र लखनपुर के पास टेम्पो का पहिया पंचर होने से टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में आसपास के लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां दहा पर सभी लोगों का इलाज चल रहा है। बदायूं में श्रद्धालुओं को कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु एसएसपी ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और किसी भी समय शिकायत सुझाव समस्याओं के समाधान के लिए कॉल या ट्वीट कर सकते हैं। स्टेट्स की जो है उसको जारी कर दिया गया है। कुल 5 जोन और 15 सेक्टर्स में विभाजित करके संपूर्ण जनपद में डायवर्जन और मेले की व्यवस्था की गई है। कछला में भी पार्किंग कहाँ होगी, पीछे जो सोरों की तरफ है वहाँ पार्किंग कहाँ होगी उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। रास्ते में कहाँ कहाँ पे भंडारे लगाए जाएंगे उसके लिए भी लोगों से वार्ता कर ली गई है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कुख्यात अपराधी और उनके साथियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कोतवाल जयप्रकाश शर्मा पुलिस बल के संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रहे थे, तभी अपाचे बाइक पर 3 लोग पुलिस को आता देख जैसे ही बदमाशों ने पुलिस को देखा तो भागने लगे। पुलिस उनका पीछा करने लगी तो बाइक पर सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। बदमाशों की फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस ने भी कार्रवाई की। वाहनों की संदिग्ध वाहनों की व्यक्तियों की सघनता से चेकिंग की जा रही थी, तभी सौर्य किराए से आता हुआ एक बाइक पे 3 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं। जब छिबरामऊ कोतवाली पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है तो बदमाशों द्वारा अपने वाहन को पीछे मुड़ते हुए भागने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा उनको घेराबंदी की गई और उनको कब्जे में लिया गया। उनकी जमा तलाशी में उनके पास से असलहे साथ ही साथ मादक पदार्थ बरामद होते हैं। बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू से गोद कर मार डाला। घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम डॉग यूनिट के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल
महोखर गांव की रहने वाली मंजू की शादी जून 22 को अंतरा के रहने वाले अरविंद से हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपने मायके आई हुई थी। सुबह जब वो नित्य क्रिया के लिए खेतों पर जा रही थी, तभी उसका प्रेमी प्रमोद आ गया और दोनों में कहासुनी होने लगी, जिसके बाद प्रेमी ने धारदार हथियार से प्रेमिका की हत्या कर दी। घटना कोतवाली देहात क्षेत्र की थी और महोखर गांव की थी, जिसमें कि सुबह में आज एक महिला जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल थी, उसको एक प्रमोद नाम के व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी। घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा था, जिस कारण उसने ये हत्या की। जैसे ही इस घटना की सूचना हम लोगों को मिली, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, फील्ड यूनिट, हम लोग सभी लोग मौके पर वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद से ही कई टीमों को लगाकर हम लोगों ने उसको पकड़ने का अभियुक्त को प्रयास किया। चारों तरफ से जब वो अभियुक्त घिर गया तो फिर उसने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने फायर किया और उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल उसे मेडिकल उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। मथुरा में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोरों ने बीजेपी नेता के घर को निशाना बनाया और लाखों की नकदी जेवरात के साथ साथ लाइसेंसिंग रिवॉल्वर पर भी हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चार बजे जब हम जगे तो अब हमको पता चला कि हम जहाँ सो रहे थे अंदर, हमारे तीनों दरवाजे हमारे बंद कर दिए थे, जिससे हम आंगन में न जा सके। और जब हम दूसरे के बराबर मकान से होकर छत पर चढ़े तो जब हम आंगन में पहुँचे तो जब हमको पता चला कि हमारे कमरे के अंदर रखी हुई 5 अलमारियाँ थीं, जिनमें पैसा, कैश, जेवर और रिवाल्वर, ये लॉकरों में रखी हुई थी। उन्होंने अलमारियों के तारे तोड़े और उनमें से जेवर और कैश, रिवाल्वर, ये सब सामान वो ले गए। उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।